आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का नाश्ता, जिसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल ली है। अमूल की चीज़ है ये। एक कच्चा आलू है, दो हरी मिर्च है, मिर्च स्वाद अनुसार है। एक गाजर ली है, आधा नींबू लेंगे, दो प्याज है, एक शिमला मिर्च है। ये ब्रेड क्रम्स हैं, आप घर में ब्रेड का भी बना सकते हैं। दाल को हम धो के सॉक करने के लिए रख देंगे। मैंने रख रखी है 1 घंटे के लिए। दाल को मैंने पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, हमें इसी तरह की दाल चाहिए थी। ये देखिए, इस तरह नाखून से कट रही है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। गाजर को हम काट लेंगे और आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सबसे पहले हम गाजर को गोल गोल काट लेते हैं, खीरे की तरह गोल गोल। ये देखिए, पीस लिया है। हमें इसी तरह पीसना था, एकदम महीन। सब्जियों को मैंने काट लिया है, प्याज को भी। ये देखिए, छोटे टुकड़े में कट करना है, इस बात का ध्यान रखें। आलू को धोकर मैंने ग्रेट कर लिया है। गाजर को गोल टुकड़े में काटना है हमें। नींबू के बीज निकाल लिए हैं। चीज को ग्रेट कर लिया है। हरा धनिया काट लिया है और हरी मिर्च को भी। और दाल को मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले नींबू डालेंगे बाउल में। ये आधा नींबू है, मैं इसे आधा यूज करूँगी, पूरा यूज नहीं करना है। ये देखिए, अभी इसमें रस बाकी है, आधा ही मैंने इसको यूज किया है। नमक है, नमक स्वाद अनुसार है। ब्रेड क्रम्स है, 2 स्पून ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। अब जो गाजर हमने कट करके रखी है उसे डालेंगे। अब 1 स्पून भर के इसमें मूंग दाल हुई। अब इसे हम मैरिनेट कर देंगे इस तरह। नमक और उससे गाजर को ब्रेड क्रम्स के साथ, क्योंकि हमने नींबू इसलिए डाला है, गाजर मीठी होती है। आप नींबू की जगह अमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी ले सकते हैं इसकी जगह। नींबू का रस, नमक और ब्रेड क्रम्स हमने, और 1 चम्मच मूंग दाल लिए इसमें। अब हम इसे साइड में रख देंगे निकाल के, कि गाजर अभी पानी छोड़ेगी, हम उसी के बाद इसे यूज करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने रख रहे हैं नमक डाल के। अब हमने जो बाउल में गाजर मैरिनेट किए हैं, उसी में हम मूंग दाल पिसी हुई ले लेंगे इस तरह। सभी को निकाल लेंगे। मैंने सभी सब्जियों को डाल दिया है। ये देखे, जो हमने ग्रेट करके और काट के सब्जियां रखी थी, प्याज शिमला मिर्च, सभी को डाल दिया है। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। आधी स्पून से कम मैं चाट मसाला ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चल, ये 1 कप पानी है, इसे हम यूज करेंगे। मिक्सी का जार धो के, मिक्सी के जार में दाल लगी है, उसको अच्छे से धो के पानी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखें, आधा कप पानी यूज किया है मैंने। अब इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरह। इधर गाजर ने भी पानी छोड़ दिया है। ये देखिए, जिस तरह हमें चाहिए थी, गाजर भी पानी छोड़ चुकी है। अब हम चलते हैं गैस के। फैन रखने के बाद हम इसमें 1 स्पून ऑयल डाल रहे हैं।
स्पून ऑयल है, ऑयल को हम इस तरह फैला देंगे चारों तरफ। ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, हम इसमें गाजर बिछा देंगे इस तरह। जो गाजर हमने मैरिनेट करके रखी है बिल्कुल स्लो गैस रखना है हमें। इसको हम पूरे में बिछा देंगे। चलिए बिछा लेते हैं इस तरह हम पूरे में बिछा देंगे। लगा दिया है और अब हम इसे 10 सेकेंड इसी तरह छोड़ देंगे। 10 सेकेंड बाद हमने जो ये मूंग दाल में वेजिटेबल मिला के रखा है जो इसका घोल, इसे डालेंगे। इसे हल्का सा और पतला करेंगे, थोड़ा सा पानी और ये यूज कर रही हूँ। दस से 15 सेकेंड हो गए, गाजर हल्की सी पक गई है क्रंची। अब हम इस पे जो हमने मूंग दाल का घोल रखा है वो डालेंगे। इस तरह फैला देंगे इसको। इस तरह हम चारों तरफ इसके फैला देंगे। जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं सेम उतना ही पतला हमें से रखना है। इसे ढक देंगे, 1 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। 1 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देखेंगे। ये पक चुका है अंदर तक। अब हम इसे पहले हम इस पे ऑयल लगा देंगे चारों तरफ से ढक के। 1 मिनट पकाया है, अब हम ऊपर से इसमें ऑयल लगा देंगे चारों तरफ इसके इस तरह। ये देखे मैंने इस तरह चारों तरफ ऑयल लगा दिया इसके। अब हम इसे पलटाएंगे, ये देखे आसानी से पलट जाएगा। ये देखे दोस्तों, अब हम इस तरफ भी इसके ऑयल लगा देंगे अच्छे से। अब गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए हम इसे सेकेंगे अच्छे से। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ये खाने में उतने ही स्वादिष्ट है, और ये हेल्दी भी बहुत है बच्चों की डाइट के लिए, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल यूज करी है। बहुत से बच्चे तो सब्जियां बिल्कुल खाते ही नहीं है। माओं की बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को सब्जियां कैसे खिलाएं, तो आप उन्हें इस तरह खिला सकते हैं। ये छोटे बड़े सभी को पसंद आता है। अब हम इसे पलट देंगे। अभी दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गया है, ये देखें। अभी इसे और सेकेंगे हम थोड़ा। जब नीचे दूसरी तरफ भी इसी तरह ब्राउन हो जाएगा, हल्का ब्राउन, तभी हम उसके ऊपर चीज लगाएंगे। अभी हम चीज नहीं लगाएंगे उस पे। नीचे से भी अच्छा ब्राउन कलर में, ये देखे इसी तरह का हमें चाहिए था जिस तरह हमने इसको
सेक लिया है, ये देखिए। अब हम इस पे चीज लगा देंगे। यदि आप चीज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप बिना चीज के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को चीज डाल के दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा ये। आप चीज अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखें। अब हम इसे ढक देंगे जब तक चीज हमारी पिघल ना जाए। हमारी चीज और नीचे से भी ये अच्छा क्रिस्पी हो गया है, आवाज आ रही है। अब हम इस पे और ये पिज्जा ऑर्गेनो है, हम वो डालेंगे। आप पिज्जा ऑर्गेनो डाल दिया है हमने, अब हम इसे सर्व करेंगे। चलिए तल लेते हैं, ये देखे दोस्तों, इसे अब हम कट करेंगे। चाहे तो आप पिज्जा कटर से काटिए इसे, आप किसी से भी इसे कट कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं। ये दोस्तों मैंने इसे सर्व किया है सॉस और ग्रीन चटनी के साथ। ये देखें, एक मैं उठा के और पीछे से दिखा देती हूँ, ये पीछे से भी क्रिस्पी सिका है, ये देखें। हेल्दी और टेस्टी भी बहुत है, एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से, तो ये झटपट बनके रेडी हो जाता है। एक बार ज़रूर बनाइए इसको, बच्चे बूढ़े सभी बड़े शौक से खाते हैं और ये हेल्दी भी बहुत होता है बच्चों के लिए।